बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको शैलास वर्ल्ड ब्लॉग में खुश आमदीद। आप लोग खैर वाफ़ियत होंगे जहाँ भी होंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। मैं बता रही हूँ आपको, हम लोग गए थे बिग बैश, बहुत मज़ा आया था। बिग बैश पे पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज़ मिलते हैं। लोडी फ्राइज यहाँ की बहुत फेमस है और मुझे बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने गाड़ी घर से निकले, गाड़ी में बैठे और बिग बैश पहुँचे। और बिग बैश पे पहुँचने के बाद वहाँ के एनवायरनमेंट और एटमोसफियर बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने डाइनिंग ही किया था, अम्मी, भाई, सिस्टर, मैं, भांजी, हम सब गए थे। हमने ऑर्डर दे दिया था लोडेड फ्राइज़ का, तो लोडेड फ्राइज़ बन रही थी, उसको थोड़ा टाइम लगा था, 20 मिनट लग गए थे। तो हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे, मेन्यू देख रहे थे। हमने डील्स मंगाई थी, 3 जो है लोडी फ्राइज़ की, उसके साथ ड्रिंक भी थी उस डील में। तो हम लोग वेट कर रहे थे, काफ़ी भूख लग रही थी और बहुत दिल कर रहा था लोडी फ्राइज़ खाने का। बस चिल मस्ती कर रहे थे हम लोग, बातें बातें कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि यहाँ का एटमोसफियर बहुत अच्छा है। आप लोग भी कभी जाएँ तो विज़िट करिएगा बिग बैश। काफ़ी सारी ब्रांचेज है कराची के अंदर, इसकी मेन्यू में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मेंशन है। तो हम लोगों को बहुत मज़ा आया और अल्लाह अल्लाह करके हमारा जो है ऑर्डर जो हमने दिया था वो आ गया। और देखिए कितनी लजीज मज़े की लग रही है ये, कि दिल कर रहा है, बस मेरा तो दिल कर रहा था मैं तीनों ट्रे खा जाऊँ, लेकिन ये कि मैं तीनों नहीं खा सकती थी। हम लोगों ने एक ट्रे में हाफ हाफ खाया। तो और ड्रिंक्स भी इतनी चीज़ी और इतनी मज़े की, तो जो दूसरी जगहों पे मिलते ना, मुझे वो लोडेड फ्राइज़ नहीं अच्छी लगती है। बिग बैश की लोडेड फ्राइज़ बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है। और मेरा दिल करता है कि मैं रोज़ाना खाऊं, लेकिन ये कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, तो कभी कभार दिल करता है तो खा सकते हैं। फिर हम लोग खाया, ड्रिंक वगैरह पी, बड़ा मुझे तो ये जो है खाने में बड़ा मज़ा आया। फिर हमने एक साथ ड्रिंक पी और फिर ये देखें बाहर का व्यू है बिग बैश को। टाटा, आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।